बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट पॉइंट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मलाजिमत के मौके के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ज़िला मलाकंड में लेवीज सिपाहियों की असामियाँ अनाउंस हुई हैं, तो चलते हैं एडवर्टाइज़ की तरफ। देखिए दोस्तों, ये एडवर्टाइज़ अभी न्यूज़पेपर में नहीं आया है, ये 10 तारीख तक। इसके डिटेल आपको बताता चलूं कि एक तो ये कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़िला मलाकंड वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली डिस्ट्रिक्ट मलाकंड। वो कैंडिडेट्स जो ज़िला मलाकंड से ताल्लुक़ रखते हैं वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसका टेस्ट बजरिया ईटा होगा, ईटा के ज़रिए टेस्ट लिया जाएगा। और ये बीपीएस सेवन की असामियां हैं। सिर्फ ज़िला मलाकंड लिखा हुआ है, देखिए सिर्फ ज़िला मलाकंड के सकूनती अफराद। और इसका आखिरी डेट जो है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन इज़ 24/10/2022 इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, टोटल असामियाँ 90 असामियाँ हैं और टोटली मेरिट पर है। और इसके लिए मैट्रिक तालीम शर्त है या मैट्रिक के मसावी। उम्र की हद 18 से 25 साल, 18 से कम ना हो, 25 से ज़्यादा ना हो। आगे देखे जो मज़ीद रिक्वायरमेंट है, तालीम मैट्रिक हो, उम्र 18 से 25 हो। और ये 18 से 25 साल जो है ना, ये 24/10/2022 को काउंट होगी। कद 5 फुट 7 इंच, कद जो है ना 5 फुट और 7 इंच हो। छाती 35.1/2.5 और 34, ये छाती हो। डोमिसाइल सिर्फ ज़िला मलाकंड के हो। जिस्मानी टेस्ट लिया जाएगा पहले, जिसमें 7 मिनट में 1 मील दौड़ पास करना होगा। 7 मिनट में 1 मील का दौड़ है। 30 मिनट में 15 पुशअप, 3 मिनट में 15 पुशअप करने हैं। जिस्मानी इम्तिहान ज़िला मलाकंड में मुनक़िद होगा। सेंटर तब्दील करने की कोई दरख्वास्त ज़ेरे कबूल नहीं होगी। तहरीरी टेस्ट उन लोगों का लिया जाएगा जो जिस्मानी टेस्ट में कामयाब होंगे। जो जिस्मानी टेस्ट में फेल हो गए वो तहरीरी टेस्ट के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। और टेस्ट के लिए सिर्फ आपने मैट्रिक लेवल, देखिए ये लिखा लिखा है, मैट्रिक लेवल के आईक्यू इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात, ये याद रखें। और इसके साथ जनरल नॉलेज और मैथ्स में भी शामिल है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, जनरल नॉलेज और मैथ्स, इन 5 सब्जेक्ट्स में टेस्ट होगा। दरख्वास्त का तरीक़ाकार क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/10/2022 ईटा की वेबसाइट पर होगा, अभी नहीं है। 7 तारीख से ईटा की वेबसाइट पर एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगी। और यूबीएल के किसी भी ब्रांच में आपने 650 रुपये जमा करने हैं। और असल रसीद को अपने साथ रखना है। मोबाइल नंबर ऐसा देना है जिसका नेटवर्क तब्दील ना हुआ हो और जो आपके पास हर वक्त रहता हो, क्योंकि उसी पर आपको SMS आना है। मज़ीद देखे इस पे लिखा, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि इस बात का ख्याल रखें कि ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करने की दरख्वास्त गुजर जाए तो फिर कोई भी वो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़, पासपोर्ट साइज तस्वीर कापी ज़रूर अपने साथ रखें, ठीक है। ये आप एक जब आपने टेस्ट देना है तो आपकी बायोमेट्रिक कराई जाएगी, उससे तस्दीक होगी। तो
फ्राक्सी कराने की कोशिश मत करें। बाकी दरख्वास्त ये बाकी वही चीज़ें हैं जो पहले मैं पढ़ चुका हूँ। तो आपके लिए आज की यही वीडियो है। जिन दोस्तों ने अप्लाई करना है तो 7 तारीख तक इंतज़ार करें। 7 तारीख के बाद ईटा की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगी और 24 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और तैयारी जो है आपने मैट्रिक लेवल से, मैट्रिक के जितने भी बुक्स है, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज, इनसे आपने तैयारी करना है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।